जो हमें हंसाए के कॉमेडी टैलेंट हंट में आज हम आपको मुल्तान से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन मैं आज बादशाह सलाम को बसा दूंगी कि बादशाह मैं भी अनारकली हूं। हजारों बरस पुरानी तारीख का अमीन शहर मुल्तान, जिसे सूफियों ने अपने प्यार और मोहब्बत के दर्द से वो कैरेक्टर दिया है जिसकी बिना पर वो कहा जाता है कि मुल्तान के लोग यहाँ के आमों की तरह मीठे और यहाँ की कपास की तरह नरम होते हैं। ले जाने बाबा तुए बिजली मेरी, नया खंबा तेरा, हम दुनिया से हो ना जुदा। सरजमीन मुल्तान फन के हवाले से भी बहुत जरखेज रही है। यहाँ जन्म लेने वालों में असगर नदीम सैयद, पठाने खान, सुहेल असगर, फिल्म एक्ट्रेस रीमा, सालमा और अंजुमन वो चंद मशहूर नाम हैं जिन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना लोहा मनवाया है। जियो ने जो यहाँ स्टार्ट लिया है कि एक्शन है, मुल्तान शहर में थ्रिल है, जियो क़यामत पर, जियो बहुत बड़ा टेलीविजन इस वक्त पाकिस्तान में और एक मीडिया में बहुत बड़ा नाम है उसका। फुल हसन है, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगला हंसे ना हंसे ये उसकी मर्जी है, हम कोशिश करेंगे भाई इंशाल्लाह। जियो की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया है कि हम जियो के सामने खड़ो के दुनिया को हंसा रहे हैं। मुल्तान की कॉमेडी थिएटर से वाबस्ता हजरात में नवाज अंजुम, आगा माजिद, सुहेल अब्बास, नासिर चुनियोटी, तारिक डेडी, अकरम दास और अनीला अली के नाम कॉमेडी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तफरीकी जमानत समझे जाते हैं। अरे हम भी हंसाने के लिए आए हैं, झुलाने के लिए नहीं भाई। हंसो, सारे हंसो, हंसाएंगे उमर शरीफ को भी हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे, अपने जज साहब को भी हंसाएंगे, जीत के दिखाएंगे। कोई है जो हमें हंसाए कि मुल्तान ऑडिशंस के लिए मुल्तान आर्ट्स काउंसिल का इंतखाब किया गया। जियो टीवी का मुल्तान आना और यहाँ के कॉमेडियंस को मौका देना कि वो कॉमेडी किंग उमर शरीफ से अपने फन की दाद वसूल कर सकें, अपनी नौइयत का मुनफरिद वाकया है। और इन्हीं वजहों के बिना पर कोई है जो हमें हंसाए के ऑडिशंस के लिए आने वालों की खुशी और जोश काबिले दीद है। हम भाई को हंसाने की कोशिश करेंगे, अगर वो ना हंसे तो फिर हमारी झोली है। मिलके हंसाएंगे, हम हंसाएंगे जरूर। जियो। अरे भाई अभी तो आए हो स्कूल से, अब हंसाऊंगा तो कुछ करूंगा, हंसाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। लाला जी मैं ज्यादा हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कोई है जो हमें हंसाए के फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तान भर से 80 बेहतरीन कॉमेडियंस मुंतखब किए जाएंगे दीवाने खास के लिए, जिनके दरमियान मुकाबला होगा और टॉप 20 कॉमेडियंस जाएंगे अगले मरहले में। इन 20 कॉमेडियंस में से सिर्फ 5 पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाले 5 में से सिर्फ 3 कॉमेडियंस ही ग्रैंड फिनाले के लिए अहल करार पाएंगे। और यहाँ फैसला होगा कि वो कौन है जो हमें हंसाए और करार पाए वली एहदे सल्तनत कॉमेडी, जिसे पेश किया जाएगा लाखों का नक इनाम और जियो टीवी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम जुगन कासिम और मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी आज कोई है जो हमें हंसाए कि मुल्तान ऑडिशंस में। आज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ कंटेस्टेंट से गपशप की और उनसे पूछा कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पता चला, वो ये कि वो 2 रीजंस की वजह से बहुत एक्साइटेड हैं। पहला रीजन तो हम सब जानते हैं, वो ये कि किंग ऑफ कॉमेडी हमारे बादशाह सलामत उमर शरीफ के सामने उनको परफॉर्म करने की पहली अपॉर्चुनिटी मिली है और वो इस चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड है। दूसरा रीज़न बहुत ही सच्चा और बहुत ही स्वीट है, और वो ये कि मुल्तान के आर्टिस्ट को लाइव किसी भी चैनल ने आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी परफॉर्म करने की, इसलिए वो जियो के बहुत शुक्रगुजार हैं एंड ऑफ कोर्स एक्साइटेड भी हैं। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द ऑडिशन। आज दरबारी यहीं पर ही अपनी ऐलान करो, तो हमारे साथ गुस्ताखियां हो रही हैं। क्या हुआ? कल से जो भी दरबार में ऐलान होगा मां बदौलत के रूबरू होगा। कल किसी ने खुफिया डील के तहत खुफिया आवाज में हमारा ऐलान किया, बादब बा मुलायदा जेब पॉकेट से होशियार। सारा दरबारा खिलखिला के हंस पड़ा और हम शर्मिंदा हो गए। इसीलिए जनाबे अली उस दरबारी को हमने निकाल दिया और नया ये एमए पास दरबारी रखा है। अलीजा, आवाम का हर तरफ एक रेला है और खुशियों का एक मेला है।
आपने कहा है कि कोई है जो हमें हंसाए, ये सुनकर पूरा मुल्तान शहर आपके दरबार की तरफ चल निकला है। तो देर किस बात की है, शुरू करो ताकि हमारी रियाया भी हंसे और हम भी हंसें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पहला हंसाने वाला हाजिर हो। बादशाह सलामत, फरियादी आपके दरबार में कर्ज करना चाहता है। इजाजत है? इजाजत है तो आपको हंसाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल की जाए। बादशाह सलामत, हम आपकी राया में रहते हैं, हमें आजकल खुश नहीं किया जा रहा। आजकल हर बंदा टेंशन में है। शादी के 2 साल तक हर बंदा अपनी बीवी से खुश होता है, 2 साल के बाद उसे टेंशन हो जाती है। क्यों? वो कैसे हो जाती है कि मेरे, मैं एक स्टेज ड्रामा देख रहा था, मेरे बराबर वाली सीट पे एक बंदा स्टेज ड्रामा देख रहा है। पहली लड़की आई बड़ी स्मार्ट खूबसूरत, वो कह रहा है मैं लानत भेजता हूँ। दूसरी आई, वो फिर कह रहा है मैं लानत भेजता हूँ। तीसरी उससे खूबसूरत आई, कह रहा है मैं लानत भेजता हूँ। मैंने कहा भैया इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं, आप लानत भेज रहे हो? मैंने कहा भाई चुप कर जाओ, ये लानत तो मैं अपनी बीवी पे भेज रहा हूँ। बादशाह सलामत, फिल्में सही नहीं बन रही। कल मेरा एक दोस्त फिल्म देख के आया, मुझे कह रहा है मेरा जूता चोरी हो गया। अच्छा, फिल्म? मैंने कहा भाई आप जूता उतार के फिल्म क्यों देख रहे थे? उसने कहा भाई कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देख के जूता उतारना पड़ता है। अच्छा बादशाह सलामत, आजकल हर बंदा रिश्वत लेता है, अदालत लगी हुई है, जज साहब बैठे हैं, वकीलों की जिरह चल रही है। वकील ने कहा कि जज साहब इस किताब के सफा नंबर 15 पे लिखा है कि मेरा मुवक्किल बेकसूर है, इसको पढ़ा जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब ने किताब ली, सफा नंबर 15 पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां 15 नोट हजार हजार के पड़े हुए हैं। उन्होंने हथौड़ा उठाया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इसी तरह के 3 सबूत और पेश किए जाएं। अच्छा, सिखों की बेवकूफी मशहूर है कि सिख बेवकूफ होते हैं। 2 सिख भाई 2 घोड़े लेकर आ गए। परेशानी यह है कि उन्होंने एक एक घोड़ा कर लिया कि एक तुम्हारा एक मेरा। अब एक ने कहा कि पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा है। एक भाई जरा सयाना था, उसने कहा मैं अपने घोड़े का एक कान काट रहा हूँ, जिसका एक कान नहीं है वो मेरा, जिसके दोनों कान है वो तुम्हारा। दोनों ने घोड़े बाहर बांधे, एक ने शरारत की दूसरे का भी कान काट दिया। फिर परेशान हो गए, यार इस तरह तो कंफ्यूजन है, दोनों के कान नहीं है। उसने कहा आज मैं अपने घोड़े की दुम काट रहा हूँ, जिसकी दुम नहीं है वो मेरा, जिसकी दुम है वो तुम्हारा। अब उस किसी ने शरारत करके उस घोड़े की भी दुम काट दी। परेशान हो गए, अब दोनों सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई क्या करें, इस तरह तो हमारे घोड़े खत्म हो जाएंगे। फिर उसने कहा भाई जान इसका एक ही हाल है कि चिट्टा तू ले ला, काला मैं ले लेने। माँ बदौलत खुश हुए, तुम्हारे लहजे में काट भी है, अंदाज बयां भी अच्छा है, खूबसूरत बात भी करते हो, छोटी छोटी बातों में तुम्हारे जो है ना वो तंज भी है, मजा भी है, पसंद आए आप। थैंक यू, देखूंगा आपको दीवाने खास में। मुबारक। थैंक यू। आपको इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बल्कि क्योंकि कॉमेडी के बेताज बादशाह के सामने बात करना भी बड़ी बात होती है, तो अल्लाह ताला की मदद से और मेरे बड़ों की दुआओं से मुझे सिलेक्शन मिली उनके सामने, तो ये चीज़, ये खुशी की उदासी है। ये खुशी की उदासी है क्यों, कोई याद आ रहा है? नहीं, मतलब कोई ना कोई ऐसे मौके पर याद आता है। जैसे कि? जैसे कि माँ। चले, अब इस वक्त में आपने इतनी अच्छी बात की, अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती। चले, थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक आपको। और अब दोनों कलाकार हाजिर हो। आदाब अर्ज। जिले सुभानी, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कुछ नहीं, बहुत कुछ अर्ज करूं। मेरा नाम सज्जाद शौकी है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। जिले सुभानी, मैं भी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? करो। मेरा ताल्लुक भी मुल्तान से है और मेरा नाम आमिर भट्टी है। भट्टी साहब, शुरू हो जाए। भाई को अच्छा सा वाकया सुनाओ। अबे इसी वजह से मैं तेरे पास आता नहीं, तू हर वक्त मेरे से वाकया सुनता है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा सा सुना दो वाकया। मैं तंग आ गया हूं। अच्छा, तू सुनना चाहता है? हाँ, मैं एक वाकया सुनना चाहता हूँ। सुनेगा? सुनाऊ? चलो फिर तुझे भी सुनाते। ये सुन। बताओ। पिछले जुम्मे से पिछले जुम्मे तक, अच्छा, मेरी शादी हुई। शादी? उससे अगले जुम्मे मेरे दोस्तों ने मुझे दावत दे दी, भाई हमारी भाभी को लेकर आना, डांस दिखाएंगे। मैंने कहा हम कोई बगैरत नहीं है, हम तुम्हारी भाभी को लेकर नहीं गए। बहुत अच्छा किया। हम अकेले चले गए। अच्छा, वहाँ से पता नहीं क्या उन्होंने शरबत में मुझे घोल कर पिलाया। अच्छा। अरे भाई मैंने पिया, मैं टून हो गया। मैंने अपने घर का आकर दरवाजा खड़काया, तुम्हारी भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर क्या हो गया भाई? चढ़ा गुस्सा, मैंने दीवार पर चढ़ा। अच्छा। और अंदर छलांग लगा दी। मैंने तुम्हारी भाभी को जाकर उठाया, मैं बाहर दरवाजे पर आया, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? फिर आगे से मुझे पता है क्या कहती है? क्या कहती है? कहती जा बगैर मैं नहीं खोलती।
फिर मैंने कहा तूने अपने मजाजी खुदा को बगैरत कहा। हाँ। बगैरत बोला। फिर मैं तो तुम्हें अभी तलाक दूंगा। फिर मुझे कहती मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह में से बात निकल गई। क्या कहती है? मेरे मुंह में से बात निकल गई। मैंने कहा तुमने मुंह में से बात निकलने क्यों दी? सुना बात क्या? ये अभी क्या भाई? सुनाऊं? कोई अच्छा सा वाक्य सुनाओ। ये क्या वाक्य हुआ? और सुन। हाँ। हफ्ते वाले दिन हाँ। मेरा सुसर आ गया। फिर मुझे आकर बोलता तुमने मेरी बेटी को मारा। अच्छा। और उसको तलाक दी। मैं तो तुम्हें छुरिये मारूंगा। क्या बोलता है? मैं तो तुम्हें मारूंगा छुरिये। तो मैंने कहा मारता क्यों नहीं है? क्या मतलब? ये तो था हफ्ते का वाक्य। अच्छा। अभी तो तुमने इतवार का भी सुनना है ना? इतवार को छुट्टी होती है। हम मुसलमान हैं, हम जुमे को छुट्टी करते हैं। इधर किसी दिन सुनेंगे? नहीं सुन। इतवार वाले दिन मेरा साला आ गया। अच्छा। गले में साफा डाला हुआ था उसने। क्या मतलब? इतवार वाले दिन मेरा साला आया। अच्छा। मुझे कहता है तुमने मेरी बहन को मारा भी, तलाक भी दी। मेरे अब्बा तुमसे सुलह करवाने आए, तुमने उनको भी मारा। फिर अब मैं तो तुम्हें करवाऊंगा जेल के अंदर। क्या बोलता है? मैं तो तुम्हें करवाऊंगा जेल के अंदर। तो मैंने बोला तू करवाता क्यों नहीं है? ये वाकया था मेरा। अच्छा। और एक वाकया मेरे साथ हो गया। क्या हुआ? मैं बस में करता था कंडक्टरी। अच्छा। सारी सवारियों से मैंने किराया लिया। हुँ? एक स्टूडेंट था, मैंने कहा भाई मियां किराया दे दो। कहता भाई मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा फिर कार्ड दिखाओ। उसके पास कार्ड भी नहीं था। मैंने कहा किराया दो। कहता मैं तो किराया नहीं देता। क्या कहता? नहीं बंदा जब बैठो भाई किराया तो देना चाहिए ना। ये लो ये लो। ये क्या मतलब? कहाँ जाना है आपने? लाहौर जाना है मैंने। तो बहावलपुर का किराया क्यों दिया? ये गाड़ी बहावलपुर जा रही है। बहावलपुर जा रही तो है। तुमने ऊपर लिख कर क्यों नहीं लगाया? हाँ आप पढ़े लिखे हैं? सिर्फ उर्दू पढ़ा हुआ हूँ। सिर्फ उर्दू पढ़े हुए हैं तो पढ़ के बैठना था ना। जब तुम्हें पता है मुझे उर्दू में पढ़ना आता है, तुमने इंग्लिश में लिख के क्यों लगाया? अच्छा भाईजान आप नाराज ना हो। चलो यार सीटें खाली हैं, आप बैठ जाए। लो बैठ गया। पीछे 6 सीटें खाली हैं, आप ड्राइवर की सीट पर क्यों बैठे? ये ड्राइवर की सीट है। ये ड्राइवर की सीट है। गाड़ी में खुद चला ले तो ठीक है, चलाओ। अबे ओ ओ तुझे किसी ने बताया नहीं बस चल रही है? नीचे आ जाए, कौन जिम्मेवार है? अबे अबे नीचे आ जाता कौन जिम्मेवार था? बोलता क्यों नहीं? हाँ तुम ड्राइवर हो? हाँ तो देखो ना आगे इशारा बंद है। तू सार्जेंट है? हाँ। है? हाँ। तुझे फिर पता होना चाहिए। अच्छा। हाँ। उम्दा बातों में तुम्हारी कम से कम नयापन था। कुछ बातें ऐसी थी जिनमें नयापन था। महाबली खुश हुए। तुम्हें अपने दीवाने खास में इस शर्त पे दाखिल करते हैं कि तुम मेहनत करके आओगे अगली दफे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाओ खुशियां मनाओ। आदाब। जान की अमान पाऊं तो एक और कॉमेडियन को पेश करूं? पेश किया जाए। अगला हंसाने वाला हाजिर हो। बादशाह सलामत, जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज करो। आपको हंसाने की कोशिश करूं? करो। एक पाकिस्तानी अमेरिका में गया। क्यों? उसकी अपनी मर्जी थी। वो अपनी मर्जी का मालिक है तो फिर हमें क्यों बता रहे हो? सर ये एक खाका है बादशाह सलामत जो आपकी अर्ज करना चाहता हूँ मैं। करो। वो आड़ूओं का ट्रक ले गया उधर। उसने कहा मैं आड़ू डॉलरों के हिसाब से बेचूंगा उधर। आड़ू ले गया वहाँ? जी हाँ। आड़ू कहीं का? पाकिस्तानी आड़ू थे। दूसरे पाकिस्तानी ने कहा कि यहाँ जो भी चीज बिकती है वो पब्लिसिटी से बिकती है, इसकी पब्लिसिटी करो। उसने कहा कैसे करूँ? उसने कहा 4-5 गुलूकार पाकिस्तान से आए हुए हैं, 5-5 डॉलर इनको दो, तुम्हारे आड़ू बिक जाएंगे। नुसरत फतेह अली साहब गाने के लिए आए तो उन्होंने 5 डॉलर उसे दिए तो उसने कैसे आड़ू गा दिए? मैनू फैला दिया दे गया सुगाता, आड़ू माही नाल ले गया, आड़ू माही नाल ले गया, नाल के ले आंदे करा गल्ला बातां, आड़ू माही नाल ले गया, मैनू फैला दिया दे गया सुगाता, थोड़ा जया ने आड़ू चखाया, बाकी दाओं ने क्यों नहीं खवाया, तरस दी रह गई मैं ते बचारी, लड़ गई मैनू आड़ू बीमारी, हाय मैनू टोकरियां, हाय मैनू टोकरियां दे गया लुगाठ, आड़ू माही नाल लै गया, मैनू फला दिया दे गया सुगात। उसके बाद नैसन भट्टी साहब गाने के लिए आए तो उन्होंने 5 डॉलर उसको दिए और नैसन भट्टी साहब ने इसको कैसे गाया? वो चंद मेरी मखणा
ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਓਏ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆੜੂ ਚੱਖਣਾ ਤੇ ਚੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਣਾ ਓਏ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਨੀ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਆੜੂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾੜੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚਾੜੂ ਨੀ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਆੜੂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾੜੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚਾੜੂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਆੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੀ ਸਿੱਧੇ ਆੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਚੱਖਣਾ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। اس کے بعد عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب آئے، انہوں نے انہیں $4 دیے، انہوں نے آڑو الٹا گا دیا۔ کوٹھے تے کھنڈ چاڑی آپے آڑو پل جائیں گا جدوں پولیس نے پھنڈ چاڑی۔ انہوں نے کہا بھائی $1 لو اور میرا آڑو سیدھا کرو بھائی جان، پھر کہنے لگا ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਪਾੜੂ ਮੰਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਗਦੀ ਏ ਰਵੀ ਵਗਦੀ ਏ ਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਆੜੂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾਂ ਆੜੂ ਹੋਏ ਹਾਏ ਰਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ ਆੜੂ ਹਾਏ ਬੋਲਿਆੜੂ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ $5 ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਵੀ ਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਗਾਏ ਚੰਦੇ ਧੀਏ ਬੰਦੇ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆੜੂ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਆੜੂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਵਾਇਆ ਚੰਦੇ ਧੀਏ ਬੰਦੇ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇਣ ਖਾਣ ਦੇਣ ਆੜੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆੜੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਚੰਦੇ ਧੀਏ ਬੰਦੇ ਕਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹਮੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਹਮ ਮੌਸੀਕੀ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਅਲੀ ਤੁਮੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਸ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਔਰ ਆਗੇ ਚਲ ਕੇ ਲਾਖੋਂ ਕਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਆੜੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਏ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਨਜ਼ਲਾ ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ ਆਪਸੇ, ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹਮ ਆਪਕੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ ਬਸ। ਕੌਣ ਹੈ ਯੇ ਗੁਸਤਾ? ਹਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਹਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਕੀ ਸਲਤਨਤ ਮੇਂ ਹਮ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਆ ਹੁਆ? ਆਪ ਹਮੇ ਸਲਤਨਤ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਹਮੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਤਾਸ਼ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਹਮ ਤੁਮਹਾਰਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਕਰ ਕਰਵਾ ਦੀਜੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਆਪਕੀ ਰਿਆਸਤ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮਸਲਨ? ਗਰਮੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ ਮੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਸ ਸਾਕੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਕੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਡੂ ਭੋਰੇ ਖਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੰਖੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਫੌਰਨ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਹਮਸੇ ਜਹੋ ਜਲਾਲ ਮੇਂ ਕਹਿਨੇ ਲਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੰਖਾ ਕੈਸੇ ਦੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਅੰਮਾ ਤੁਮੇ ਪੰਖੇ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਖਾ ਦੀਆ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਕਹਤੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਬਾਜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਅੰਮਾ ₹15 ਕਾ। ਕਿਤਨਾ ਚਲੇਗਾ? ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਅੰਮਾ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇਗਾ। ਟੂਟ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਵੋ ਪੰਖਾ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਦੂ ਚਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੋ ਪੰਖਾ ਲੈ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਆਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੇ ਜੂਤੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰੀ
अच्छी भली ठुकाई की। क्यों क्यों? मैंने पूछा अम्मा मार क्यों रही हो? मुझे कहने लगी कमबख्त तूने कहा था ये तो पंखा काफी चलेगा, मैंने यूं झड़ा इसको टूट गया। मैंने कहा माफ कतरी का गलत था। मुझे कहने लगी फिर कैसे इसको चलाना चाहिए? मैंने कहा अम्मा ये शाही दौर है, बादशाह सलामत की रियाया का बनाया हुआ पंखा है, इसके सामने पंखा यूं नहीं करना मुंह के सामने, बल्कि पंखे को मुंह के सामने रखे मुंह यूं यूं करना। सफर मैंने बड़े बड़े किए, वहां भी मुझे जूती है बड़ी, बादशाह सलामत। इसे जूतियां क्यों पड़ती है बादशाह सलामत, जूता क्यों नहीं पड़ता? ये मतलब ये लेडीज में ज्यादा रहता है। बादशाह सलामत जी, मैं डब्बे में एंटर हुआ हूँ, ईद की वजह से बड़ा रश था, रेल में रेल के डब्बे में एंटर हुआ, मैंने कहा बड़ा रश है कोई मेरी पॉकेट ही ना मार ले, क्यों ना जहीन बन के जंजीर खींच के गाड़ी रुकवा के पूछूं भी लाइट क्यों गई है। मैंने जंजीर खींची है, मुझे थप्पड़ पड़ा। क्यों? मैंने कहा शायद कोई मजाक कर रहा है, रियाया है, हमारा बादशाह फराक दिल है, प्यार करने वाला है, हमाम प्यार करती है। मैंने दोबारा चैन खींची, मुझे फिर थप्पड़ पड़ा। तीसरी दफा मैंने चैन खींची तो फिर लाइट आ गई, मैंने देखा बर्थ के ऊपर एक बुजुर्ग औरत सोई हुई है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अम्मा जान थप्पड़ आप मार रही हैं? मुझे कहने लगी कमीने चुटिया तू खींच रहा है। बादशाह सलामत, अल्लाह पाक ने शुक्र करो, शुक्र करो कि इस दौर में दो चार चुटिया नजर आ जाती हैं, वरना खवातीन ने चुटिया कटवा दी हैं और चुटिया बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और उन्हीं चुटियाओं पे हमने एक अपना शेर लिखा था माशाल्लाह, के वो मशरिक की जुल्फों की पाकीदा छाओ, वो मशरिक की जुल्फों की पाकीदा छाओ, वो लाज की लकीर से परे डरे डरे से पाओ, वो होठों पे हया की लाली, वो हाथों की लकीरों पे सबर करने वाली, अरसा हुआ नजर नहीं आई वो शर्मो हया का पैकर, मेरे देश की लड़की किसने चुरा ली। बादशाह सलामत अगली दास्तान सुने आप। सुनाओ। आपकी राया में जो बादशाह सलामत स्कूल है वहां पर इतने इतने कद की मिसे हैं, शाशे मिसे हैं, शाशे छोटी मिसे हैं, बच्चे टिफिनों में नाश्ता लेकर आते हैं वो खा जाती है, जो बच्चे शौक से आगे बैठते थे वो पीछे बैठते हैं। बादशाह सलामत ये जुल्म हो रहा है, देहातों में जाए वहां पर जो टीचर हैं न्यू खान के ड्राइवर जैसे हैं, आधे बच्चे को चौथे गियर में डाल लेते हैं, कहां गया था तू। बादशाह सलामत, एक बच्चा 3 दिन की छुट्टी करके स्कूल गया, मास्टर साहब ने देखा, हाँ भाई गुल गफूर तुम भाई 3 दिन की छुट्टी करके आया हो जरा बाहर आ जाओ। अब वो बच्चा है खौफ का मारा वही रोना शुरू कर दिया, उस्ताद जी मैं नहीं आता इस दफा आप आ जाए। कहाँ था तू 3 दिन? उस्ताद जी वो पेचिस लगे हुए थे। किसको? अब्बा जान को। तुमने छुट्टी क्यों की? मैंने कहा भी मैं देखता हूँ रुकते हैं कि नहीं। अब वो मास्टर बच्चे पर कैसे तशद्दुद करता है और बच्चा अपनी जहानत से कैसे हाथ बचाता है, तवज्जो कीजिएगा, मास्टर ने गड़ा निकाला है, हाथ निकालो। अच्छा हाथ हाथ निकालो। अच्छा बादशाह सलामत बहुत जुल्म हो रहे हैं आपकी में। हम खुश हुए और तुम्हें अपने दीवाने खास में शामिल करते हैं, ये मेरे लिए एजाज की बात है, और उम्मीद करते हैं कि जब हमारी दूसरी मुलाकात होगी तो तुम इससे भी आगे आगे जाओ, कपड़े बदल के आना जी बादशाह, वरना पड़ेगा पछताना पखारा अगलिया कुर्बान। शहंशाह आलम हम बड़े हैरान हैं, ये इतना लंबा आदमी इतना अकलमंद मस्खरा, पहला मैट्रिक पास मस्खरा है, बड़ा जहीन और तो खूबसूरत, हमें मजा आया, हमने भी एंजॉय किया। बड़ी सरप्राइज हुई हूँ, आप इतनी टेढ़ा कर रहे थे बैकग्राउंड में, मुझे लग नहीं रहा था कि आप कुछ कर सकते हैं, मैं बड़ी सख्त इंप्रेस्ड हूँ आपसे, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा अमर भाई के सामने परफॉर्म करना, और स्पेशली थैंक्स फॉर जियो, हर पल जियो, जिन्होंने इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी हम जैसे आर्टिस्टों को। मुल्तान एक ऐसा शहर है जिसकी तरफ मीडिया बहुत कम देखता है, लेकिन जियो ने हम आर्टिस्टों को एक नई जिंदगी, एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपका सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज ऑडिशंस में हिस्सा लेने वालों ने कॉमेडी की मुख्तलिफ असनाफ में अपने फन का मुजाहरा किया। इन ऑडिशंस में सिलेक्ट होने वालों को कोई है जो हमें हंसाए के दीवाने खास में कॉमेडी की मुख्तलिफ असनाफ, पैरोडी, मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडी, विट, सटायर और स्लैपस्टिक में अपने फन का लोहा मनवाना होगा, और जो इन तमाम असनाफ में बेहतरीन होगा
वही विनर करार पाएगा। इस एपिसोड में कामयाब होने वालों के नाम हैं राशिद अली, सजाद चौकी, आमिर बट्टी, अली मून एंड नदीम इकबाल। जो भी ट्यून इन करके अपने रिमोट कंट्रोल पे कब्जा कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि हम वापस आएंगे एक बहुत ही मजे खिलखिलाते और गुदगुदाते एपिसोड के साथ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जोगन काजिम एंड ऑफ कोर्स हंसते रहिए।